यूपी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों ने न सिर्फ दिन दहाड़े एक दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी बल्कि फरार होने के लिए एक कार भी लूट ली। मामला बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव का है, जहां भूपेंद्र पटेल नाम का एक दूध व्यापारी अपने गाँव नारायणगढ़ से दुर्जनपुर डेयरी फार्म पर दूध लेकर वापस लौट रहा था। तभी अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार होने के लिए एक बोलेरो कार को बंदूक दिखाकर रोक लिया। बदमाशों ने कार मालिक को कार से उतार दिया और फिल्मी अंदाज में ड्राइवर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर कार को ड्राइवर सहित लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी देवेंद्रनाथ और एडिशनल एसपी संजय कुमार ने पुलिस टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। पालस मला कल का राकेश सहानी, तो कौन सा बोलेरो था आपका? बोलेरो सर। क्या गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर सर देखने। इनका घर कहाँ है? यही दूजन। क्या नाम है आपका? राकेश सहानी। आपकी गाड़ी क्या नंबर? कैसे चाबी पा गए? अरे गाड़ी ने हमारा ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर भी तो रहा है? हाँ, तो मैं भी साथ में था। अच्छा वो हमें बंदूक दिखा के अच्छा मुझे उतार दिया। अच्छा उसको पहचान रहे हो? नहीं मैं यहाँ नहीं रहता, मैं उसे नहीं पहचान। अच्छा अच्छा ड्राइवर क्या नाम है? ड्राइवर का लाल बाबू। लाल बाबू वो कहाँ का है? ड्राइवर कहाँ का? दुर्जनपुर का। किसका लड़का है? संगम वर्मा का। तो वो भी साथ में गया है? हाँ, वो भी उन्हें बंदूक दिखा कर वो भी उन्हें भी ले। और तुम्हें बंदूक दिखा कर उतार दिया? कई लोग थे उसमें? दो लोग थे। क्या उम्र थी? उनका नंबर, उनका उम्र पूछ रहे हैं। उम्र सर 25-26 का होगा। 25 उनसे भी ज्यादा का होगा। कुछ ज्यादा का ठीक से नहीं देखा है। यूपी 60। इसके बाद? उसके बाद यूपी 60 ए ई जीरो फोर नाइन टू। भूपेंद्र पटेल जो नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, रोज दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने आते थे। आज सुबह भी वह दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने के लिए आ रहे थे, जो बदमाशों द्वारा उन्हें खदेड़ा गया और गांव दुर्जनपुर में आकर के उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में समस्त विधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं और शीघ्र ही समस्त कार्यवाही की जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।